आरटी न्यूज, हर खबर का असर। झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप जान रहे हैं कि पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत में भी यह फैलता जा रहा है। झारखंड अभी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोरोना महामारी आ सकती है। ऐसी स्थिति में हमें इससे बचना है। सरकार ने जो निर्णय लिया है लॉकडाउन का, उस पर विश्वास करना है और उसका पालन करना है। इसमें यही है कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, घरों में ही रहना है और आपस में भी एक दूरी बना के रहना है, ताकि एक दूसरे पर यह बीमारी पार नहीं करे। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, झारखंड सरकार ने व्यवस्था की है। मैं खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री हूँ। हमारे मंत्रालय ने सभी पदाधिकारियों को, सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि जो कार्डधारी हैं राशन कार्ड, उनको 2 महीने का खाद्य दिया जाए, अप्रैल और मई का। जिन्होंने दरखास्त दिया है ऑनलाइन, उनको भी जांचों उपरांत जल्दी से ही, लेकिन उनको भी अनाज दिए जाएं, ताकि वो भूखा नहीं रह सके। जगह जगह सरकार ने दाल भात केंद्र खोल रखा है, वहाँ अब खिचड़ी मिलेगी, वहाँ जाएं और खिचड़ी लेकर अपने घरों में जाएं, वहीं खाएं, घर में ही खाएं। और ज़रूरत पड़ी तो डीसी को कहें, बीडीओ को कहें, जगह जगह अतिरिक्त केंद्र भी, खिचड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक कालाबाजारी का सवाल है, कहीं कहीं सुनाई दे रही है कि हमारे समाज के ही दुकानदार भाई लोग दाम बढ़ा दे रहे हैं। इस पर सरकार नज़र रख रही है और उस पर हम लोग, और उन पर ये बताना चाहेंगे कि जो कालाबाजारी करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो अफवाह उड़ाए जाते हैं, उससे आप बचें। अखबारों पर भरोसा रखें। यहाँ झारखंड में बहुत से अखबार हैं, यहीं से प्रकाशित होते हैं, रांची से खास करके, वो सही सही चीज़ों को लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा विश्वास हमको रखना है, सोशल मीडिया पर नहीं। किसानों के लिए भी मैं कहूँगा कि इसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी चर्चा हुई कि चारा बाहर से जो लाया जाता है उसमें रोक नहीं किया गया है इसमें, मतलब हम भी बात किए हैं डीसी लोगों से, हमने कहा है कि बाहर से जो चारा गाड़ियों में लाया जाता है उनको फैसिलिटेट करें, उनको आने दें, ताकि फोडर की, चारा की कमी ना हो इस राज्य में। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी तरह से हम रोज़ नज़र रखे हुए हैं। आपको जो दिक्कत होगी तो मुख्यमंत्री जी को संपर्क करें, टेलीफोन से, मेरा भी टेलीफोन से संपर्क करें और बताएं हमको क्या दिक्कत है, हम तुरंत उसको सुलझाने। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।